भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 28 श्लोक संख्या 33। अध्याय का नाम है अगले जन्म में पुरंजन को स्त्री की शरीर की प्राप्ति। श्लोक संख्या 33। विभज्य तन ये व्यक्षाम राज ऋषिर्मल्यध्वज आरी राधयिषु कृष्णम स जगाम कुलाचलम् विभज्य तेन येभ्य क्षमाम् राज ऋषि मल्यध्वज आरिराधयिषु कृष्णम् स जगाम कुलाचलम् विभज्य तेन येभ्य क्षमाम् राज ऋषिर्मलयध्वज आरिराधयिषु कृष्णम् स जगाम कुलाचलम्। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। विभज्य बांट कर तन ये भ्यः अपने पुत्रों में क्षमामा संपूर्ण पृथ्वी को राज ऋषि महान साधु राजा मल्यध्वज मल्यध्वज नामक आरी राधयिषु आराधना करने की इच्छा से कृष्णम भगवान कृष्ण की सह वह जगाम
चला गया कुलाचलम, कुलाचल नामक स्थान में। इसके पश्चात राजऋषि मल्लध्वज ने अपना सारा राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। तब वह पूरे मनोयोग से भगवान कृष्ण की पूजा करने हेतु कुलाचल नामक एकांत स्थान में चले गए। तात्पर्य, महाराजा मल्लध्वज निश्चित रूप में महाभागवत थे। भक्तिमय सेवा करने के कारण भक्ति संप्रदाय श्रवणम कीर्तनम विष्णु का प्रचार करने हेतु उनके कई पुत्र तथा शिष्य हुए। वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। दूसरे शिष्य में जब शिष्य बड़े हो जाएं और प्रचार कार्य कर सकें तो गुरु को चाहिए कि वे अवकाश ग्रहण कर ले और एकांत स्थान में बैठकर लिखे तथा निर्जन भजन करे। इसका अर्थ हुआ मौन होकर एकांतवास तथा भक्ति। यह निर्जन भजन तो एकांत में परमेश्वर की आराधना है, नव जिज्ञासु भक्त के लिए संभव नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कभी भी नव जिज्ञासु भक्तों को किसी एकांत स्थान में जाकर भक्ति करने की सलाह नहीं दी। उन्होंने संबंध में गीत लिखा है, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, प्रतिष्ठार तारे निर्जनर घरे, तब हरिनाम केवल कैतब। अरे मन, तू किस तरह का भक्त है, केवल सस्ती कीर्ति के लिए तुम एकांत स्थान में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र जपने का स्वांग भरते हो, किंतु यह सब धोखा है। इस प्रकार श्री भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर ने सदैव इसका समर्थन किया कि प्रत्येक भक्त निपुण गुण गुरु के निर्देशन में भक्ति संप्रदाय का सारे विश्व में उपदेश दे। परिपक्व हो जाने पर ही एकांत स्थान में बैठा जा सकता है और संसार भर में प्रचार कार्य से अवकाश ग्रहण किया जा सकता है। इस आदर्श का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भानामृत संघ के भक्तगण संसार भर के विभिन्न भागों में उपदेश देने का कार्य करते हैं। अब वे अपने गुरु को सक्रिय उपदेश कार्य से विराम लेने हेतु छोड़ सकते हैं। गुरु के जीवन की अंतिम अवस्था में भक्तों को चाहिए कि उपदेश कार्य अपने हाथों में ले लें। इस प्रकार गुरु निर्जन स्थान में बैठकर निर्जन भजन कर सकता है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, ये पुरंजन की कथा एक रूपक चित्र है, यानी कि काल्पनिक है, और नारद मुनि जी बहुत एक तरीका सिखा रहे हैं हमें कि प्रचार का ये तरीका भी है,
और राजा प्रचीन भरिषद को वो संदेश देना चाहते हैं तो पुरंजन की कथा सुनाई। पुरंजन जो एक अपनी पत्नी से यानी कि जीवात्मा अपनी तमसा बुद्धि, वो बुद्धि जो काम वासनाओं से दूषित हो गई है, बहुत आसक्त होता है। बुद्धि जब ये सारी योजनाएं बनाना शुरू कर देती हैं कि मैं भगवान से अलग होकर कैसे भोग करूँगा, तो फिर जीवात्मा का पतन तेज़ी से होता रहता है। मन के अंदर भोगने की इच्छाएं होती हैं लेकिन बुद्धि के द्वारा हम उसको नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि ऐसी योजना बनानी शुरू कर दे कैसे मैं मन की गंदी इच्छाओं को पूरा करूँगा, तो जीवात्मा का पतन निश्चित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो पुरंजन था, जीवात्मा था, वो अपने इस बुद्धि से बहुत आसक्त हो गया। जैसा बुद्धि नचाती थी वो नाच रहा था। तो अंत में क्या हुआ, वो अपने जब शरीर छोड़ा तो अगला जीवन उसको एक स्त्री का मिला। उसका नाम क्या पड़ा? वैदर्भी। और उसका विवाह किससे हुआ? राजा मल्लध्वज। राजा मल्लध्वज मतलब कि बहुत उच्च कोटि का भक्त, है ना, महाभागवत। मल्ल मतलब चंदन, ध्वज मतलब श्रेष्ठ, चंदन में भी सर्वश्रेष्ठ, ऐसा भक्तों में भी सर्वश्रेष्ठ, ऐसा मल्लध्वज। और जब इनका विवाह हुआ तो इनके कई पुत्र हुए और एक पुत्री हुई। पुत्री थी भक्ति लता और कई पुत्र हुए। तो अब यही बताया जा रहा है कि विभज्य तनयेभ्य क्षमाम राज ऋषि मल्लध्वज। जो राजा थे उसको राज ऋषि कहते थे। राजा भी था और ऋषि भी था, बहुत बड़ा भागवत था, भक्त था। तो उन्होंने क्या किया, विभज्य पूरी पृथ्वी को वो अपने पुत्रों में बांट दिया। क्यों बांट दिया? फिर अरारे यथेशु कृष्ण स जगम कुलाचलम, और खुद अपना पूरा मन भक्ति में लगा सके, सब अपना राज्य पूरी पृथ्वी अपने बेटों में बांट के वो कुलाचलम चला गया। कुलाचलम वो स्थान है, हमारे आचार्यगण बताते हैं, वो स्थान को इंगित करता है जहाँ पे बड़े ध्यान पूर्वक वो भक्ति कर सके, भक्ति में पूरा ध्यान लगा सके। तो वहाँ वो चला गया कृष्ण की पूजा करने के लिए। ठीक है, तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सारे जो उनके पुत्र हैं वो शिष्यों के समान हैं, और गुरु भी खूब प्रचार करते हैं। और जब गुरु वृद्ध हो जाते हैं और शिष्य जब परिपक्व हो जाते हैं तो गुरु से वो जिम्मेवारी उठाते हैं प्रचार की, और गुरु एकांत स्थान में जाके भजन कर सकता है। तो यहाँ से श्रीमद् भागवतम हम देखते हैं हमें सिखाती है जीवन की शैली भी। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं भागवतम के प्रारंभ में ही कि ये पूरा एक कल्चरल, एक संस्कृति कैसी है वो भी हमें सिखाती है। वर्णाश्रम धर्म में क्या होता था, चार वर्ण और चार आश्रम, ब्रह्मचार्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ और सन्यास। और ये इतने वैज्ञानिक तरीके से सुयोजित किए जाते थे कि मनुष्य का क्रमशः इस संसार से वैराग्य उत्पन्न होता था। बचपन में ही बच्चों को गुरुकुल में भेज दिया जाता था, और गुरुकुल में जब भेजने के बाद उनको जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाता था कि ये संसार हमारे भोगने के लिए नहीं है, इस संसार से हमें निकलना है। इस संसार में हमें बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं बनानी कि इस संसार में बहुत बड़ा व्यक्ति बन के खूब प्रसिद्ध होके और यहाँ मैं अपने आप को खुश रख सकता हूँ, अपने आप को आनंद में ला सकता हूँ, अगर मैं बहुत सी अचीवमेंट्स कर लूँगा, उपलब्धियाँ ले लूँगा। नहीं, ये स्पष्ट हो जाता था कि ये संसार निकलने के लिए है, बसने के लिए नहीं है। इस संसार का पूरी योजना है वाइंड अप, एक्सपेंशन नहीं, वाइंड अप। क्योंकि पूरा जो संसार है, भौतिक जगत है, काल के अनुसार चल रहा है, काल के अंतर्गत है, और काल धीरे धीरे क्या कर रहा है, हम सबकी आयु को निकल रहा है और संसार क्षय होता जा रहा है। हमें से कुछ लोग जो 40 साल से ऊपर हैं उनका अनुभव होगा कि आयु यूं निकली है पता भी नहीं चला। जो लोग थोड़े युवा हैं, है ना, वो सोच रहे अभी तो बहुत टाइम बचा है, बहुत टाइम बचा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही सोचते थे, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत टाइम बचा अभी तो, लेकिन जब निकलता है खट से पता भी नहीं चलता। अभी तो मुझे ऐसे, अभी मैं कॉलेज से पास आउट ही हुआ था, नहीं ये निकल गया, इतना समय निकलता है। और अगर हम ये पूरे संसार क्यों बनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी योजना को नहीं समझेंगे, अपनी योजनाएँ बनाएंगे जो कि भगवान की योजनाओं के विरोध में है, तो किसकी योजना सफल होगी, हमारी योजना की भगवान की? तो बुद्धिमत्ता किसमें है कि अपनी सारी योजनाओं को भगवान की योजनाओं के अनुसार कर लो तो हम आनंद में हैं, भगवान की योजना के अगेंस्ट चलेंगे कहाँ मैं कहाँ भगवान कोई चांस ही नहीं है कि मेरी योजना सफल हो।
तो बुद्धिमता इसमें है कि योजना समझें भगवान की योजना क्या है। इस संसार की तुलना एक टॉयलेट से की गई है, शौचालय से। शौचालय में किस लिए जाते हैं? मल त्याग, नहीं, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। कितना समय बिताना चाहिए शौचालय में हमें? कम से कम, बस। तो इस संसार अपने आप को शुद्ध करने के लिए है, फटाफट अपने आप को शुद्ध करें और भगवान के धाम वापस जाएं। भगवान के साथ हम खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। इस संसार यहाँ पे हम जितना भी प्रयास कर लें, इसको जेल खाना है, ये एक शौचालय की तरह है। हमें बस जाना है और यहाँ से शुद्ध होकर निकलना है। ये एक अलग बात है कि आजकल के लोग शौचालय इतने सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज दे देते हैं कि व्यक्ति का निकलने का मन ही नहीं करता, है ना, सब कुछ है वहाँ पे। तो ये मूर्खता है, उसका उद्देश्य मालूम होना चाहिए। तो क्या था वर्णाश्रम में, जब ब्रह्मचारी की अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले ली, तो कुछ तो व्यक्ति होते थे वो सीधा ही आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे, और कुछ बोलते थे नहीं हम गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। जाइए गृहस्थ आश्रम में जाइए, लेकिन गृहस्थ आश्रम 25 साल रहने के बाद वो निश्चित रूप से वानप्रस्थ में जाते थे, जाते ही थे वानप्रस्थ। ऐसा नहीं है कि पत्नी से नहीं बने तो चले गए वानप्रस्थ, लड़ाई झगड़े हो गए, शांति नहीं है घर में, तो चलो जी मैं निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं, निकलते ही थे। या फिर बहुत गरीबी है क्या, कोई बचा ही नहीं तो निकल ही जाओ, ना ना। बड़े बड़े राजा लोग पूरे ऐश्वर्यों के साथ घर में साफ सुख संपत्ति होते हुए भी वानप्रस्थ जाते ही थे, ऑप्शनल नहीं था, मैंडेटरी था। उनके अंदर ऐसे संस्कार होते थे। भागवत में वर्णन आता है राजा भरत का। राजा भरत युवावस्था में अप्सरा जैसी सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चे, सारी पृथ्वी, इस भारतवर्ष का नाम उन्हीं से पड़ा है। पहले पूरी पृथ्वी को भारत कहते थे, जब राजा भरत के नाम पर ही भारत शब्द पड़ा। इतने महान राजा, और बताया गया अपना सब कुछ कैसे त्याग करके गए, जैसे कोई मल त्यागता है पीछे मुड़ के भी नहीं देखता, ऐसे जंगल में चले गए। क्यों? जीवन का लक्ष्य मालूम था कि जीवन का लक्ष्य इस संसार में सुख भोगना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को प्राप्त करना, और ये केवल मनुष्य जीवन में ही किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम ऐसे उदाहरणों से भरा हुआ है। राजा पृथु, राजा पृथु को आदि राजा कहते हैं। इस पृथ्वी का नाम उन्हीं से पड़ा, पृथु पृथ्वी। राजा पृथु इस पूरी पृथ्वी को, भूमि को अपनी पुत्री के रूप में देखते थे। स्वयं वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार, वो भी समय आने पे अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल में चले गए, पूरा तपस्या की। और बताया जंगल में इतने बड़े राजा थे, एकदम फर्श पर सोते थे, और सिरहाने के लिए अपनी जाल से बाजू इस्तेमाल करते थे, इतनी कठोर तपस्या। तो वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम के बाद होता था, और वानप्रस्थ इसलिए होता था कि हम तपस्या करें। गृहस्थ आश्रम में नियमित इंद्र तृप्ति की परमिशन दी जाती है कि आप नियमित रूप से कुछ इंद्र तृप्ति कर सकते हो। और परिवार चलाने के लिए जो हमें धन कमाना होता था, तो कुछ ना कुछ पाप हो ही जाता है। तो वानप्रस्थ वो अवस्था होती थी कि अपने सारे पापों का हम पश्चाताप करें, तपस्या करें, अपने आप को शुद्ध करें, ताकि हम भगवान के धाम जा सकें। ये एकदम स्पष्ट जीवन का लक्ष्य होता था। आज पूरे संसार में कठिनाइयां क्यों हैं? किसी भी जीव को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। देखा देखी में जीवन का लक्ष्य दे, आपके स्टूडेंट से आजकल क्या चल रहा है, आजकल MBA चल रही है, BBA चल रही है, चलो बाहर जाना, यहाँ जाना है, वो करना है, बस ये कन्फ्यूजन है। जो मार्केट में चल रहा है, जो ज़्यादा पैसे हमें दिला देगा, वही जीवन का लक्ष्य है। वो सब हो भी जाता है तो कोई आनंद नहीं आता, कोई संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि जीवात्मा है हम, ये शरीर नहीं है। जीवात्मा तो कृष्ण की शरण में जाके ही संतुष्ट हो सकता है, ये जीवन का लक्ष्य स्पष्ट था। लेकिन जब ये शरीर है, तो शरीर को चलाने के लिए कुछ करना है, तो पूरा वर्णाश्रम था कि इस ढंग से चलाइए। ये पहले ब्रह्मचारी, अच्छे ढंग से ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग लीजिए, फिर गृहस्थ आश्रम में जाइए, गृहस्थ आश्रम में भी नियमित रूप से इंद्र तृप्ति करनी है, फिर वानप्रस्थ में पूरी तपस्या करके अपने आप को शुद्ध करना है, और फिर संन्यास और भगवान के धाम, सीधा पूरा साइकिल है। तो ये आजकल संभव नहीं है ना। इसीलिए प्रहलाद महाराज तो छोटे से बालक ही थे, तो हिरण्यकश्यप ने उनसे पूछा, बच्चे बता क्या सीख के आया शंड और अमरक के गुरुकुल से, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज ने की। तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, तत्साधु मन ने असुवर्य सही नाम सदा सुमित बिन धियम असत ग्रात,
हित्वा आत्मपातो ग्रहम अंधकूपो वनम गतो यस श्री हरि माश्रित। पिताजी ने बेटे से पूछा, बड़ी गोद में बिठा के, बच्चे बच्चा क्या सीख के आया है? बोले, हे असुरों में श्रेष्ठ, आप ये क्या लगे हुए हो? हित्वा आत्मपाता ग्रहम अंधकूपम, जो आपका पतन कर रहा है, ग्रहम अंधकूपम, ये जो घर है ये अंधे कुएं के समान है, इसको छोड़ो और वन में जाओ, हरि की आश्रय लो। छोटा सा बालक तोतली भाषा में ऐसा बोल रहा है, आप सोचो। बच्चे कविता सुनाते कितने अच्छे लगते हैं ना, मीठी मीठी कविता सुनाएगा, बाबा ब्लैक शिव वगैरह सुनाएगा, ये तो क्या सुना रहे हैं, अपने पिताजी को बोल रहे हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ, ये घर को छोड़ो, ये अंधा कुआं है, ये आपका पतन कर रहा है, वन में जाके हरि की पूजा करो। कितना गुस्सा आया होगा हिरण्यकश्यप को, पागल हो गया है। उन्हें सोचा स्कूल में कुछ बच्चे ने गाली गलौज सिखा दिया इसको, उठा के फेंका नीचे इसको। तो लेकिन वास्तव में ग्रहम अंधकूपम, शीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर कोई जंगल में जा रहा है और एक कुआं है जो घास से घिरा हुआ है और व्यक्ति उसमें गिर जाए और वो बिल्कुल सूखा कुआं है और बिल्कुल अंधा, इतना गहरा है कि आप चिल्लाते भी रहेंगे कोई आपको बचाने नहीं आएगा, ये संसार की तुलना उससे की गई है। क्योंकि जब हम बुरा ना माने, जब हम घर गृहस्थी में चले जाते हैं तो इतने मोह में पड़ जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब मैं और मेरा है, ये मेरा साम्राज्य है, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो भगवान को हम भूल जाते हैं, तो उसको अंध कुआं कहते हैं। ऐसा कोई भी स्थान जहाँ हम भगवान का स्मरण ना कर पाएं उसको अंधा कुआं कहा गया है। और मनुष्य जीवन इस अंधे कुएं में अंधे कुएं में अपना पतन कराने के लिए नहीं है। हित्वा आत्मपातम ग्रहम अंधकूपम, इससे बाहर निकलो, वनम गतो श्री हरिम आश्रित, वन में जाके हरि की शरण ग्रहण करो। ये प्रहलाद महाराज का संदेश था। आजकल तो इतनी बुरी हालत हो गई है संसार की, लोग विवाह ही नहीं करते। अब तो विदेशों की मक्कल भारत में ही मारी जा रही है कि विवाह करने की जरूरत ही क्या है, आप ऐसे ही इंद्र तृप्ति कर लो तो कोई जिम्मेवारी भी नहीं है और इंद्र तृप्ति भी कर लो, और नरक नारकीय लोकों में जाने वाली बात है। तो ये कृष्णा कॉन्शियस हमारा जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, पूरे संसार में क्रांति लाने के लिए है। ये केवल हम लोग अपने सेल्फिश के बारे में नहीं सोचना कि चलो ये चुपचाप 16 माला चार नियम करोड़ पतली गली से भगवद्धाम चले जाओ, नहीं, ये हमारा आंदोलन नहीं है। प्रहलाद महाराज के ऊपर हिरण्यकश्यप ने इतने संकट दिए, प्रहलाद महाराज फिर भी खूब प्रचार करते थे, और जब बाद में भगवान नरसिंहदेव प्रकट भी हो गए और उन्होंने बोला चलो प्रहलाद मेरे साथ भगवद्धाम चलो, तो प्रहलाद महाराज साफ साफ बोल दिया, बोले प्रायेण देव मुनिया सुविमुक्ति कामा मौनम चरंति विजने ना परार्थ निष्ठा नेतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यम तदस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य। बोले प्रायेण देव मुनिया सुविमुक्ति कामा, अक्सर इस संसार में जो संतगण हैं वो अपने ही मुक्ति के बारे में सोचते हैं। मौनम चरंती विजने न पराम निष्ठा, वो कहीं गुफा में जाके अपना मौन व्रत रखते हैं, अपना भजन करते हैं, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते। नेतान विहाय कृपणा विमुक्ष एको, मैं ऐसा कृपण नहीं हूँ कि केवल अपनी मुक्ति के बारे में सोचूं, ना अन्य तो दस्य शरणम भ्रमतो अनुपश्य, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं देख रहा हूं कि जब तक कोई कृष्ण की शरण में नहीं आएगा वो सुखी नहीं रह सकता, इसलिए मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं जब तक इन मूर्ख लोगों को अपने साथ लेके नहीं आऊंगा मैं भगवद्धाम नहीं जाऊंगा, ये है भाव। तो इसलिए हमें समझना है कि पूरे संसार की रचना किस लिए की गई है। ये संसार एक बहुत ही टेम्परेरी स्थान है, यहाँ से हमें निकलना है और यहाँ से शुद्ध होना है, और इसके लिए वर्णाश्रम की ये प्रणाली भगवान ने हमें दी है। तो अगर कोई युवावस्था में है वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर गृहस्थ में जाए, लेकिन उसके बाद उसका रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। इसके बाद क्या, प्रभुपाद जी बोलते हैं आज पूरे संसार में धृतराष्ट्रों की खूब भरमार है। धृतराष्ट्र मतलब जो अंतिम समय तक अपने घर से आ सकता वो दुखी रहा। जितनी हम आसक्ति रखेंगे संसार की चीज़ों से, सदा सुमित बिन धियम असत ग्रहत, इन संसार की असत वस्तुओं में हम अपनी आसक्ति रखेंगे वो हमें चिंता ही देगी। और इसीलिए भगवान सिग्नल्स भेजते हैं कि छोड़ो, छोड़ दो इसको, लेकिन हम छोड़ते नहीं। देखिए भागवतम में किन किन भागवतों को
महाराजाओं को सिग्नल मिला और उन्होंने तुरंत संसार छोड़ दिया। कौन कौन से उदाहरण याद आते हैं आपको? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट, कलयुग को भी उन्होंने दमन कर दिया था। एक छोटे से ब्राह्मण के बालक ने उनको श्राप दिया। परीक्षित महाराज के अंदर इतनी शक्ति थी कि उसको दोबारा से श्राप दे सकते थे, उसका प्रत्याकार कर सकते थे। परीक्षा ने सोचा नहीं, ये भगवान की तरफ से संदेश है, चलो वाइंड अप, धन्यवाद, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में फंस गया था, अब अच्छा मौका मिला, गंगा के तट पे जाके भागवतम सुन के शरीर त्याग देंगे, तुरंत निकल पड़े। और चित्रकेतु महाराज तुरंत लक्ष्मी पार्वती जी ने उनको श्राप दिया, बोले धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं, मैं असुर बन जाऊँगा, मृतासुर बन गए और पूरा इंद्र से ऐसे युद्ध करा कि इंद्र को बोले मुझे मारो, मुझे भगवतम जाना, जल्दी मारो। और युधिष्ठिर महाराज, पांडव, जब अर्जुन 7 महीने द्वारका में रह के आया और अर्जुन ये समाचार लेके आया कि अब कृष्ण नहीं रहे, युधिष्ठिर महाराज बड़े गंभीर हो गए, अपने भाइयों से चर्चा ही नहीं की, चुपचाप सारे राजसी वेश उतारे, वृक्ष की छाल डाली और निकल पड़े। भीम ने देखा अरे युधिष्ठिर नहीं है, उन्होंने किसी से चर्चा नहीं की, चुपचाप वो निकल पड़े। अर्जुन, नकुल, सहदेव, पीछे बच गई सुभद्रा और द्रौपदी जी, उन्होंने शोर नहीं मचाया, देखो जी छोड़ के चले गए हमें, क्या है कहाँ, रोना धोना नहीं किया, वो भी चुपचाप निकल गए। और बताते हैं भागवतम में कि सबके सब पांडव इसी देह में भगवान के धाम चले गए। पूरा जीवन का स्पष्ट क्लियर, कृष्ण है ही नहीं, आप निकलो फटाफट निकलो। और गौतम बुद्ध, जनक महाराज, ये सब उदाहरण है कि सिग्नल्स मिल रहे हैं, निकलो। दशरथ, जहाँ दशरथ थे उनको बुरे बुरे सपने आने शुरू हो गए, बोले हाँ मेरा अंत समय आने वाला, मैं अभी तक यहाँ बैठा हूँ। तुरंत मंत्रियों को बुलाया, बोले मैं सोचता हूँ कि अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को राज्य दे दूँ। सारे मंत्रियों बोले वाह वाह बहुत अच्छी बात है। राजा दशरथ को लगा ये तो बड़े खुश हो गए, ये तो प्रतीक्षा कर रहे थे मेरे अनाउंसमेंट की, लगता है मैंने अनाउंसमेंट लेट कर दी। तो इसलिए ये हमें जानना चाहिए, हमें संसार की छोटी छोटी बातों में इतनी आसक्ति हो जाती है, और बड़ा राज्य छोड़ना आप सोचिए आसान नहीं है। आज के टाइम में जिसने पूरा बिजनेस का एम्पायर खड़ा किया है, बोले छोड़ के चले जाओ, बोले पागल हो, सेल्फ मेड मैन हूँ, कहाँ से शुरू किया था कहाँ पहुँचा हूँ, छोड़ दो, जब तक हमसे छीना ना जाए तो हम छोड़ते नहीं हैं। हमें सिग्नल नहीं, हमें तो चिल्ला चिल्ला के भगवान बोलते हैं छोड़ छोड़, बोले नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, ये हालत है। क्यों? हमें अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं है। तो हम यह भक्तों का संग करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए। एक बार जीवन का लक्ष्य स्पष्ट हो जाए, फिर हम इस संसार को अच्छे ढंग से जी सकते हैं, दूसरों का भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। और इस संसार का ये बहुत भ्रमित करने वाला जगत है, बहुत भ्रमित करने वाला जगत है। आज हम यहाँ पे हैं, कल यहाँ होंगे, कुछ पता नहीं। लेकिन अगर जीवन का लक्ष्य स्पष्ट है तो हम इन सब उतार चढ़ाव में रहते हुए भी स्थिर रह सकते हैं। तो राजा मल्लध्वज ने समझदारी दिखाई। राजा मल्लध्वज महाभागवत थे, पूरी पृथ्वी को अपने पुत्रों में बांट दिया। और शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, इतनी सुंदर बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कि वास्तव में सारा संसार ऐसे शिष्यों में विभाजित हो जाना चाहिए और हर एक को कृष्ण भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने में लग जाना चाहिए। गुरु जब शिष्य बनाते हैं, गुरु के शिष्य बनाने का एकमात्र उद्देश्य है कि वो उनकी चिंता को कम करे। और गुरु की चिंता होती है भगवान की चिंता। भगवान की चिंता ये है कि मैंने इन जीवात्माओं को इस संसार में भेजा है ताकि ये वापिस भगवत धाम आ सकें, लेकिन ये मूर्ख लोग वहीं फंस गए, जेल में ही रहना चाहते हैं, जेल से बाहर आना ही नहीं चाहते, तो खूब प्रचार की आवश्यकता है। इसलिए हर किसी को, यहाँ लिख रहे प्रभुपाद जी, हर किसी को प्रचार करना चाहिए, विशेषकर हम लोगों को जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने हम सब के लिए क्या आदेश दिया है? भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये हम सबको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से, जो कि चैतन्य महाप्रभु बनकर आए हैं। और आप सब, हम सब लुधियाना के अंदर हैं, तो हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि लुधियाना का एक व्यक्ति भी नहीं बचना चाहिए जिसको हमने अप्रोच ना किया हो भक्ति के लिए। क्या कहना आप लोगों का? अब दो बड़े बड़े मंदिर हैं हमारे पास, पूरे मंदिर हाउसफुल, खचा खच भरे हों, लोग इतने परेशान हैं। और हमें मालूम है
कि इन सब परेशानियों का समाधान क्या है और हम चुपचाप बैठे हैं, नहीं निकलना है। कोई हमें से ऐसा नहीं बोल सकता, ठीक है जी अब मुझे सारी टेक्निक मालूम चल गई भगवत धाम जाने की, प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, मैं भगवत धाम ले जाऊँगा। तो कई भक्त लोग मंदिर आना बंद कर देते हैं, बोले अकेले में बैठ के मैं बस चुपचाप भजन करूँगा। यहाँ प्रभुपाद खंडन कर रहे हैं, निर्जन भजन नहीं, ये दिखावा मत करें। प्रभुपाद के पास उनके एक शिष्य गए, बोले मैं हरिदास ठाकुर की तरह रोज 192 माला करूँगा। प्रभुपाद ने बोला आप नहीं कर सकते, रहने दीजिए। नहीं नहीं प्रभुपाद मैं करना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है करो प्रयास करो। फिर प्रभुपाद ने अगले दिन किसी से पूछा कहाँ पे है वो, बोले उसने क्या किया अफ्रीकन भक्त था वो, वृक्ष के ऊपर एक पूरा मचान बना लिया, वहाँ रह के करने लगा। प्रभुपाद बोलते हैं वो बंदर बन गया, नकल मार रहा है हरिदास ठाकुर के। कुछ दिनों के बाद पूछा कहाँ है वो, बोले गायब ही हो गया, चला गया बस, अब एक माला भी नहीं कर रहा, पहले 192 माला की वो नकल मार रहा था। अकेले हम सर्वाइव नहीं कर सकते है ना, एकाकी अमार नहीं पाए। कलयुग में संग में शक्ति है, अकेले तो हम मंगल आरती के लिए भी नहीं उठ सकते, उठ सकते नहीं, जब तक हमें कोई उठाने वाला ना हो, है ना। आप में से कितने लोग अकेले उठे आते हो मंगल आरती के लिए, उठ पाते हो? नहीं, कोई उठाना चाहिए। ज़्यादा गर्व नहीं होशी मैं उठ जाता हूँ। भक्त नहीं होंगे वो भी नहीं उठ पाएंगे। भक्त लोग उत्साहित करते हैं, एक दूसरे को उठाते हैं, है ना। कभी आज हमारा ही अलार्म नहीं बजा, मैं भी नहीं उठ पाया आज। तो ये बहुत हमें भक्त, हम पूर्ण रूप से भक्तों पर निर्भर हैं, है ना। और सब भक्तों को इकट्ठे होकर जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जो भक्त वरिष्ठ हो रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, चाहे हम अपने बिजनेस में हैं या भक्ति में हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, सक्सेशन प्लान होना चाहिए। आए ये जिम्मेवारी मैं आगे किसको दूंगा, अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बिजनेस में ये जिम्मेवारी मैं जल्दी से जल्दी अपने बेटों को दूँ, ऊपर उठूँ मैं। अगर आध्यात्मिक जीवन में कोई हमारे पास जिम्मेवारी है, ये जिम्मेवारी आगे दूँ मैं, और जिम्मेवारी आगे लूँ ऊपर, आगे ट्रांसफ़र करें। इससे हम सख्त भी नहीं होते और प्रमोशन होते हमारा, उसी में फंसे रहना नहीं। और जो नई जनरेशन है उसको जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार होना चाहिए, लाइए और जिम्मेवारी लेनी है। जो वरिष्ठ हैं उनको ये जिम्मेवारी नीचे देके और ऊपर बढ़ना है, तो इसलिए उनको ट्रेनिंग देनी है, नीचे वालों को ट्रेनिंग लेके तैयार रहना है, तब ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, तब ये पूरी पृथ्वी पर हम प्रचार कर पाएंगे। और जो हमारा बिजनेस है, खूब अच्छे ढंग से बिजनेस करें। राजा युधिष्ठिर को जैसे ही मालूम चला कृष्ण चले गए हैं, वाइंड अप परीक्षित को सब हैंड ओवर किया, चले गए। परीक्षित महाराज को मालूम चला 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, अपने बेटे को बोला जन्म जाए, उसको दिया, चले गए। रेडी था सब कुछ, एक हफ्ते के अंदर बोलो सारा वाइंड अप करना है, मुश्किल तो कितना आसान होगा, बहुत मुश्किल होगा। नहीं, ऑलरेडी ट्रेन था जन्म जाए, लो जी तुम लो मैं निकलता हूँ। इसी ढंग से हम सबका ये एग्जिट प्लान होना चाहिए, है ना, कि हम किसी को आगे ट्रेन करें और ऊपर बढ़ें। आध्यात्मिक जीवन में भी और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कृष्णा कॉन्शियसनेस ईजी गोइंग प्रोसेस नहीं है, ईजी प्रोसेस है, ईजी गोइंग प्रोसेस नहीं है। या हम जितनी जिम्मेवारी लेंगे उतना हम गुरु की कृपा प्राप्त करेंगे, जितनी जिम्मेवारी लेंगे जितने कष्ट उठाएंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा, उतनी ज़्यादा हमें कृपा मिलेगी। जिम्मेवारियों से हमें भागना नहीं है, जिम्मेवारियाँ उठाएँ। क्यों नहीं, क्या क्या डर लगता है हमें कोई जिम्मेवारी उठाने में, हैं, फेल ना हो जाऊं, मेरी इमेज खराब हो जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भक्ति में फेलियर है ही नहीं, भक्ति एब्सोल्यूट प्रोसेस है, भक्ति में कोई फेल होता ही नहीं है। जय हो, क्या बात है। भौतिक जीवन में होता है पास और फेल, भक्ति में कोई फेलियर है ही नहीं। इसलिए जब हमें कोई वरिष्ठ भक्त कोई जिम्मेवारी दें, चाहे छोटी सी सेवा की जिम्मेवारी क्यों नहीं, उसको उठाना चाहिए। जब तक हम इस संस्था में जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे, हम हमेशा अतिथि ही बने रहेंगे। आप गेस्ट बन के रहना चाहते हैं कि होस्ट बन के रहना चाहते हैं? होस्ट। हाँ, अगर होस्ट नहीं बनेंगे और गेस्ट ही बने रहेंगे तो फिर आनंद नहीं आएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह चैतन्य चैतन्य के तात्पर्य में, वन शुड इंटीमेटली एसोसिएट विद दिस एसोसिएशन, इंटीमेटली, अंदर तक। इंटीमेटली का मतलब क्या है कि खूब जिम्मेवारी उठाएं, ये अपना घर माने। मेरे साथ ये हुआ, मैं इसका लाभ सबको देना चाहता हूँ, है ना।
जब भी हम प्रभुपाद जी के आंदोलन में आए, हमारे जीवन में पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, तो मैं सबको इसको बांटना चाहता हूँ। जब इसको हम जिम्मेवारी उठाते हैं तो हम भी बचे रहते हैं और हम दूसरों का भी लाभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से निश्चित रूप से हम इस संस्था के साथ इंटीमेटली अंतरंग भाव से एसोसिएट कर रहे हैं और कुछ कष्ट भी उठाएंगे। जिम्मेवारी मतलब कष्ट उठाना है, और उस कष्ट को उठाते हैं हमारा ज़्यादा शुद्धिकरण होता है और ज़्यादा कृपा मिलती है, है ना। और हमें, हम चाहेंगे कि इसका खूब प्रचार हो। और भक्ति में सफलता का कारण, एक बार परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज से पूछा कि एक शब्द में बताइए भक्ति में सफलता का कारण, कोई सीक्रेट। और राधानाथ महाराज ने बहुत सुंदर शब्द बोला, बोले एब्जॉर्प्शन, कि हमारा मन लग जाए एकदम। मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्करु माम एविषि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसि मे। पूरा भक्ति में सफलता का है येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवासी है। किसी ना किसी ढंग से मन को कृष्ण में लगा दें। तो मन में कृष्ण को तभी लगा पाएंगे जब हमने इस आंदोलन में कोई जिम्मेवारी उठाई, तभी लगा पाएंगे। इस संसार में एक व्यक्ति का मन हमेशा अपने बिजनेस में लगा रहता है कि बिजनेस की जिम्मेवारी उठाई है, हमेशा अपने बच्चों की चिंता में लगा रहता है, इनका विवाह करना, सेटल करना, उसकी जिम्मेवारी उठाई हुई है। अगर हमने कोई सेवा की जिम्मेवारी उठा ली है, पुजारी है, कुछ मालूम है सुबह मुझे उठना है, वेकअप करना है ड्यूटीज को, उसकी चिंता लगी रहती, उठना ही उठना है, है ना, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसी ढंग से हम कोई जिम्मेवारी भी उठाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा कि हमारा मन हमेशा कृष्ण में लगा रहेगा। और जब मन कृष्ण में लगा रहेगा तो फिर माया मन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अगर हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं तो हमारा मन कृष्ण में नहीं लगेगा, तो फिर क्या होगा, माया देवी आएंगी अंदर। नरोत्तम दास ठाकुर जी अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका भजन में लिखते हैं, मनेर जीवन कृष्णेर, मनेर प्राण कृष्णेर वचन, मनेर प्राण कृष्णेर स्मरण। जो मन का प्राण है वो कृष्ण का स्मरण है। अगर मन में कृष्ण का स्मरण है तो मन जीवित है, और मन में कृष्ण का स्मरण नहीं है तो मन मृत के समान है। और जब मन मृत हो जाता है तो एक जिसे कहते हैं शव के ऊपर कौन लोग अटैक करते हैं, गिद्ध इत्यादि अटैक करेंगे, है ना। और ये गिद्ध क्या है, काम क्रोध इत्यादि। तो अगर मन में हम कृष्ण को हमेशा रखेंगे तो हम काम क्रोध इत्यादि से भी बचे रहेंगे, और मन से कृष्ण चले गए तो ये सारे के सारे काम क्रोध मन में प्रवेश करेंगे ही करेंगे। और मन में हमेशा कृष्ण बने रहें, क्या करना चाहिए कि हमें कृष्ण के, कृष्णा कॉन्शियसनेस आंदोलन में कुछ ना कोई जिम्मेवारी उठानी चाहिए, है ना। तो ये जिम्मेवारी उठानी है कि मैंने आज पूरे लुधियाना में क्या कर देना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो युवा जन है उनको खूब ये उत्साह कैसे आएगा कि मुझे ये प्रचार करना, ये जिम्मेवारी उठानी है, अगर हम अच्छी साधना करेंगे, अच्छे ढंग से हरि नाम का जप करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, तो ये क्योंकि मुझे कुछ मिला है। तो प्रचार का मतलब क्या होता है, डकार। आपने बड़ी आलू के परांठे खाए हैं तो डकार में वही आएगा, आपने कुछ खाया ही नहीं खाली पेट डकार मारते रहो आनंद नहीं आएगा, दूसरे को पता चला है कुछ खाया नहीं पाऊजी आप ऐसे उल्टे सीधे डकार मार रहे हो। तो खूब खला खाया हो तो फिर शेयर करने का मन करता है। तो अच्छे ढंग से प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ें, अच्छे ढंग से नियमों का पालन करें, फिर वो व्यक्ति चुप नहीं बैठ सकता, उसको डकार आएगा ही आएगा, वो प्रचार करेगा ही करेगा। और जो थोड़े 40-50 की आयु में आगे बढ़ रहे हैं उनको अब सोचना चाहिए कि कब तक मैं फैक्ट्री में बिजनेस में उलझा रहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं आध्यात्मिक कार्यों में लगाऊँ। अगर आजकल हम बोलें आज के इस कलयुग में वानप्रस्थ क्या है, वन ही नहीं बचे तो वानप्रस्थ क्या होगा, तो हमें क्या जाना है, कुलाचलम। कुलाचलम का क्या मतलब बताया था, ऐसी जगह जहां से साधना की जाए, जहां भक्ति अच्छे से की जाए। तो वो ऐसी जगह क्या है आजकल कलयुग में, भक्तों के संग है। ये मंदिर है प्रभुपाद कहते हैं, ये वैकुंठ है। तो यहाँ पे आए
और जिम्मेवारियां उठाएं। जीवन को इस ढंग से करें जो 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भौतिक कार्य कम होते जाएं, आध्यात्मिक कार्य बढ़ते जाएं। और जो युवा जन है उनको इस ढंग से जीवन जीने कि खूब अच्छे ढंग से मैं प्रैक्टिस करूं, ब्रह्मचर्य का अच्छे ढंग से पालन करूं और परमात्मा की पुस्तकों को अच्छे ढंग से समझूं, फिर आगे जाके उसकी इच्छा है या वो ब्रह्मचारी का जीवन बिता दे पूरा, या फिर गृहस्थ आश्रम में जाना, तब भी कोई दिक्कत नहीं, गृहस्थ आश्रम में जाए और वापस फिर वानप्रस्थ और आगे बढ़े। ये जीवन को हमने समझना है। लोग वैदिक संस्कृति में वानप्रस्थ पाने के लिए इतने उत्सुक होते थे, भागवतम के 5वें स्कंद में वर्णन आता है स्वयंभू मनु का। स्वयंभू मनु के पुत्र थे राजा प्रियव्रत। राजा प्रियव्रत नारद मुनि के शिष्य, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और वह आराम से तपस्या कर रहे थे तो राजा स्वयंभू मनु आ गए। बोले नहीं नहीं, मैं जाऊंगा वन में, तुम वापस जाओ घर में आओ। बाप और बेटे में लड़ाई हो रही है, मैं वन में जाऊंगा। वो बोल रहे हैं, प्रियव्रत राजा बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं नहीं, मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्यों जाऊँगा गृहस्थ आश्रम में। और स्वयंभू मनु बोल रहे हैं नहीं नहीं, बहुत हो गया मेरा घर में रहना, अब मुझे बाहर निकलना है। कोई मान ही नहीं रहा है। देखिए घर में आज की लड़ाई देखी है, उल्टा हो रहा है, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। नारद मुनि जी बोले क्या करें, बड़े बड़े महाजन इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि सब इकट्ठे हो गए, क्या किया जाए, मामला बड़ा संजीन है क्या किया जाए। तो सबने फिर निर्णय लिया ब्रह्मा जी, भैया प्रियव्रत आप वापस जाओ, इनको तो ये अब इन्होंने अपना जीवन बिता दिया, इनको तो जाना ही चाहिए वन में, इतना जरूरी था ना। एक बार हमारे बॉम्बे जुहू मंदिर में एक युवा ने अपना जीवन समर्पित किया, वो ब्रह्मचारी बन गए। जुहू मंदिर के प्रेसिडेंट थे रसराज प्रभु, तो उनके पिताजी शोर मचाते हुए आ गए, ये नया लड़का है, पढ़ा लिखा है, इसको क्यों रख लिया, इसको अभी खाने पीने की उम्र है, ऐसे थोड़ी है। तो उन्होंने पूछा बताइए फिर कब आना चाहिए मंदिर में। बोले सब कुछ कर ले, विवाह वाह कर ले, उसके बाद आना चाहिए। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपका भी विचार अच्छा है, तो ऐसा करिए इसको ले जाइए, आप आ जाइए कोई एक तो आ जाओ, अगर इसकी उम्र नहीं है तो आपकी तो उम्र हो गई है, तो फिर आप आ जाओ। बोले ये क्या मतलब, ये क्या मतलब, आप खुद ही बोल रहे थे कि ये उम्र नहीं है, कौन सी उम्र है, ये उम्र है, तो आपकी उम्र होगी, आप आ जाइए। चुपचाप चले गए वहां से। ये अज्ञानता है, हम नहीं जानते जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार किस लिए बनाया गया है, बहुत बड़ी अज्ञानता है। इसको अगर हमारे मन में कोई संशय है तो क्लियर कीजिए, लेकिन इसको स्पष्ट कीजिए, संसार क्यों बनाया गया मालूम होना चाहिए, और मैं यहां क्यों आया हूं और कैसे मुझे आगे जीवन जीना है, ये हमारा पूरा मैप हमें क्लियर होना चाहिए, तभी हम लाइफ में कुछ डिसीजंस ले पाएंगे। यही क्लैरिटी नहीं है, देखा देखी जो आसपास सब करें वही मैं कर लूं, तो सब दुखी तो हम भी दुखी। तो इस ढंग से इस ज्ञान को हमने अच्छे ढंग से समझना है, अपने जीवन में उतारना है और खूब प्रचार करना है। हम सबको भारत में जो जन्म मिला है ये कोई तुक्के की बात नहीं है, बाय चांस की बात नहीं है, नथिंग हैपन्स बाय चांस, ये भगवान का एक डिज़ाइन है, भगवान की एक योजना है। बहुत भाग्यशाली जीवात्माओं को भारत भूमि में मनुष्य का शरीर मिलता है, बहुत सौभाग्यशाली जीवों को, और उसका एक ही लक्ष्य है जन्म सार्थक करी कर परोपकार। और जन्म सार्थक करने का अर्थ क्या है, अच्छे ढंग से इस भागवतम के ज्ञान को समझें, अपने जीवन में अनुकूल करें और परोपकार दूसरों तक ये ज्ञान पहुँचाएँ, पूरे उत्साह के साथ, जिम्मेवारी उठाते हुए, टाइम पास के लिए नहीं। अक्सर हम लोग समझते हैं भौतिक जगत को बड़ी गंभीरता से लेंगे, आध्यात्मिक जीवन तो चलता है ना, हरि बोल हरि बोल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई गलती होगी तो वांछा कल्पत्रु कर दूंगा, बस आगे बढ़ो। यहाँ तो मैं रिलैक्स करने आता हूँ, यहाँ जिम्मेवारी उठाने थोड़ी आता हूँ। सो भौतिक जगत में मैं खूब इसी गंभीरता से, आध्यात्मिक जीवन तो चलता है। हम देखेंगे जितने भी राजागण थे जो भागवतम में वर्णन राजऋषि हैं, उन्होंने अपनी भौतिक कर्तव्यों को भी बड़ी गंभीरता से निभाया और आध्यात्मिक कर्तव्यों को भी बड़ी गंभीरता से निभाया। तो ये ऐसा नहीं चलो जी आध्यात्मिक कार्य तो कोई हमें जिम्मेवारी मिली, सेवा कर ली जैसे मर्जी कर ली, यहाँ भी सेवा को बड़ी गंभीरता से लेना है, हरिनाम का जप बड़ी गंभीरता से लेना है। जितना भक्ति को गंभीरता से लेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना हम आनंद पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कुछ मेरे विचार थे आज के श्लोक में। हरे कृष्णा। जैसे कोई टिप्पणी या प्रश्न है, अभी कुछ समय है, 5 मिनट वाले पास। हाँ, थैंक यू सो मच। रजी, आपने जैसे बताया कि प्रचार में
अपने आप को लगाना चाहिए, पतली गली वाला आपने किया भी प्रोजी, बट जैसे हम सुनते हैं कि यहाँ से निकलना है, वाइंड अप करना है, प्रोजी फर्स्ट क्वेश्चन मन में यही आता है कि अपने आप को कैसे बचाया जाए, प्रोजी प्रचार का इतना नहीं आता, मतलब अभी जो सिचुएशन है प्रोजी, इसको आपने बताया कि साधना ठीक नहीं है, ये मेन रीज़न होगा प्रोजी, कुछ और भी हो सकता है कि मन सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए करता है, मतलब हाँ, तो ये जो संसार से अपने आप को बचाने का जो खाली है, ये ज्ञानियों की मानसिकता है, है ना। जो मायावादी जन है, ज्ञानी जन है, अपने आप बस सोचो दुखों में, अपने दुखों से मुक्ति पाऊं बस, ये ज्ञान का आवरण है हमारी भक्ति में, तो इसमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलेगी, है ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इसमें जो हमारी भक्ति है वो ज्ञान से ढक रही है नहीं। तो अच्छे ढंग से अगर हम संदेश को समझेंगे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होई तार ए देश, क्योंकि कलयुग में संकीर्तन ही धर्म है। अगर अपने आप को भी बचाना चाहते हैं तो प्रचार से ही बचा सकते, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला प्रचार ही सार है। यहां अगर अपने आप को बचाने का भी प्रयास करोगे, बिना संघ के आप कुछ कर ही नहीं सकते, और केवल अपना में चुपचाप ध्यान लगा लो वो संभव ही नहीं है, आपको संकीर्तन करना ही पड़ेगा, और संकीर्तन का मतलब है दूसरों को इंट्रोड्यूस करना कृष्ण कॉन्शियसनेस से, उनको बचाना, है ना। हम उदाहरण देते हैं परम पूजनीय जयप्रदा का स्वामी महाराज जी का, है ना। जयप्रदा का स्वामी महाराज को अभी वो बीमार हुए, मद्रास में गए, आईसीयू में हैं, और बहुत 2 दिन तक आईसीयू में रहे, और उनके नाक से उनको मेडिसिन फीड की जा रही है, बहुत ऐसी अवस्था में भी हैं, और कॉन्शियसनेस में भी नहीं थे। जैसी चेतना में वापस आए, बोले आज क्या डेट है, बोले हाँ, क्या टाइम हो गया, 4, अरे 5 बजे मीटिंग है, 5 बजे मीटिंग है, और ऐसी अवस्था में फ़ोन साथ में रखा हुआ, और सारे वाइफ्स अंदर जा रहे हैं, उसके बीच में भी पूरा भाग ले रहे हैं मीटिंग के अंदर, इतनी चिंता, इतना सोच, अपने बारे में कुछ है ही नहीं। और बोलते मेरे शरीर में बहुत बीमारियां हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बीमारी क्या है कि जब मैं किसी नए व्यक्ति को मिलता हूँ तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता कि उसको मैं प्रचार करूँ, ये मेरी बीमारी है क्या, मैं रोक नहीं सकता अपने आप को। और वहाँ हॉस्पिटल में सारे डॉक्टर हैं, उनसे पूछ रहे हैं आप माला करते हैं नहीं करते, आप ये करते हैं नहीं करते, उनको किताबें बांट रहे हैं, उनको माला दे रहे हैं, ये है जीव। जब हम प्रचार करते हैं ना तो वे अपने कष्टों को भूल जाते हैं, प्रचार नहीं करेंगे अपने बारे में ही सोचते रहेंगे तो मन अपने आप में घुमाता रहेगा, तू ये है, तू वो है, तू ऐसा है, वैसा है, बस उसी में उलझे रहेंगे। जब हम प्रचार करते हैं तो दूसरों को सुख देना, दूसरों को भगवान से जोड़ना, इसी में आनंद आता है। जितना हम आनंद को बांटेंगे उतना हमें आनंद मिलेगा, जितना हम सेल्फिश रहेंगे, अपने बारे में सोचते रहेंगे, उतने हम दुखी रहेंगे, ठीक है ना। तो ये प्रचार में ऐसा होता है, एक तो जो भौतिक रूप से जिनको कष्ट है उनको तो हम कह सकते हैं भगवान की शरण में आपको कष्ट दूर होंगे, जिनके पास सारी सुख समृद्धि है, फैमिली भी अच्छी है और भौतिक के सभी सुख सुविधाएं हैं, वो तो मानते हैं कि भगवान की कृपा हमारे पास है, फूल कृपा है, हम क्या ठीक है, सुबह शाम भजन कर लेते हैं, थोड़ा बहुत से हो रहा है, तो भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, प्रभु जी कह रहे हैं कि जिनके पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको कैसे मोटिवेट करें कि भगवान की शरण में आए, दुखी लोगों को तो समझा सकते हैं। देखिए, भगवान की शरण में आने के लिए नहीं कि दुखी होगा वो आ जाएगा, सुखी होगा वो नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सारे दुखी लोग आ जाते हैं, हाँ तो तब भी वो बोलें कष्ट है तो भगवान को ही गालियां देते कि भगवान ने हमें कष्ट दिए, ऐसा नहीं। अगर सारे दुखी लोग आना शुरू कर दें भगवान के शरण में तो सभी आ जाएंगे, संसार में दुखी तो बहुत हैं, तो ये हमारा तो कर्तव्य है, हम सबके पास जाएंगे। कई बारी घास घेली होती है, कई बारी घास सूखी होती है, तो सूखी घास चाहे वो सुख की अवस्था में या दुख की अवस्था में आग पकड़ लेता है ना, और जो गीली घास होती है तो कोई बात नहीं, हो सकता है अभी वो ना माने, कुछ सालों के बाद फिर से मान जाए, तो हमें बस प्रयास करते रहना चाहिए। हर एक को छूना है हमने तो, मौका देना है, कोई अभी स्वीकार कर लेगा, कोई अभी नहीं, कुछ सालों बाद या कुछ जन्मों बाद, हमारा अपना कर्तव्य है उसको हम पूरा करें।
ये जो साइंस है हमें पता नहीं पिछले जन्म में उसका क्या क्या है, कब वो इस आग को पकड़ेगा हम नहीं जानते, हमने जाके बस उसको आग दिखानी है, पकड़ ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा उसके ऊपर, हमें नज़र नहीं आएगा लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। ठीक बात है, अच्छा प्रश्न है। तो आजकल तो वर्णाश्रम का सब उल्टा पुल्टा हो गया है ना, तो 25 साल के बाद तो मालूम चलता है, तब तक मालूम मैंने इतनी गलतियां कर दी, इतने गलत संस्कार उसके मन में छप जाते हैं, तो अब कैसे ब्रह्मचर्य का वो पालन करेगा। तो इसीलिए संकीर्तन में बहुत शक्ति है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जो आंदोलन है बहुत शक्तिशाली है। बहुत बड़े बड़े कोई कुकर्म भी करके आ गया, अपराधी भी व्यक्ति है, पापी भी व्यक्ति है, जो वो संकीर्तन में जुड़ता है उसमें इतनी शक्ति है कि वो पुराने संस्कारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो सही ढंग से सही कह रहे हैं आप, वो ब्रह्मचार्य आश्रम नहीं है, लेकिन जहाँ से भी शुरू करें वो शुरू करता है, उसको जीवन का लक्ष्य मालूम चलता है, तो जितना संभव होता है वो करते हैं। इसलिए सही तरीके से तो वो, हम ये नहीं कहते वो ब्रह्मचारी आश्रम में, बोलेंगे वो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम कुछ तो सुधार हो रहा है उसका, कुछ तो जुड़ता है, लेकिन जहाँ तक संभव हो हमारे आगे आने वाली जो जनरेशन है उनको हम गुरुकुल में डाल सकते हैं ऐसे, उनको ऐसा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन कलयुग में इतना आसान नहीं है ये, है ना, सब कुछ उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, इसीलिए संकीर्तन बहुत आवश्यक है कलयुग। प्रभु जी, ये मुझे एक व्यक्ति मिला, वो कहता है कि मैं आपको सुना देता हूँ कि आप शिव जी के भक्त बन जाओ, शिव जी का करो दादा आप, तो वो शिव जी का भक्त था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो दूसरे देव देवताओं के बहुत भक्त होते हैं, तो ऐसे को कृष्ण कॉन्शियसनेस में कैसे लाया जाए प्रचार के थ्रू? देखिए डिपेंड करता है, अगर वो वास्तव में शास्त्रों के आधार पर चर्चा करने में इंटरेस्टेड है तो हम शास्त्रों के आधार पर उसको समझा सकते हैं, अगर वो शास्त्रों के आधार पे बात नहीं करना चाहता तो बहस करने की आवश्यकता नहीं है, चलो उसको आराम से प्रसाद वगैरह खिलाइए, मंदिर में इनवाइट कीजिए, कीर्तन में भाग लेगा, यहाँ देखिए आप भक्त लोग इतने खुश हैं, नाच रहे हैं, अपने आप आकर्षित हो, है ना, कीर्तन में चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग इन पर जोड़ दीजिए उसको, तो अपने आप वो आकर्षित हो जाएगा। देखते हैं वो कभी ऐसे नहीं सोचते जब अपने से नीचे, तो जी ये कैसे डेवलप किया जाए कि ना देखा जाए ये सब और अपना अच्छी चेतना बनाए? अच्छी चेतना के लिए प्रभु जी हम जैसे जैसे अच्छे ढंग से हरिनाम करने का प्रयास करेंगे हमारी चेतना सुधर दी जाएगी, है ना, और जो हम अपने वरिष्ठ भक्तों को देखते हैं उनके उदाहरण से सीखने का प्रयास करें, उनको हम ऑब्जर्व करें वो कैसे करते हैं, और फिर अच्छे ढंग से हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ेंगे, प्रभुपाद के लेक्चर्स को सुनेंगे और जप करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी ऐसा मनोवृत्ति आ जाएगी, ऐसे एटीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।